लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। सऊदी अरब में बढ़ते कोरोना प्रसार के बीच खबर है कि सऊदी अरामको ने ईंधन की कीमतों में भी वृद्धि की है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। 91 का मूल्य 0.67 से बढ़कर 0.90 प्रति लीटर, जबकि 91 का मूल्य 0.82 से बढ़कर 1.8 प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान के कारण बुनियादी वस्तुओं पर करों को 3 गुना कर उन्हें 15% तक बढ़ा दिया गया है और प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च में करीब 26 अरब डॉलर की कटौती किया गया है। सऊदी अरब के वित्त मंत्री के मुताबिक वहां के नागरिकों को 2018 से शुरू हुआ निर्वाह व्यय भत्ता भी नहीं मिलेगा। अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के प्रयासों के बावजूद सऊदी अरब राजस्व के लिए तेल पर बहुत अधिक निर्भर है। ब्रेंट क्रूड इस समय करीब $30 प्रति बैरल के स्तर पर है। कीमत का यह स्तर सऊदी अरब के अपने खर्च को पूरा करने के लिए काफी कम है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के कारण मुस्लिम तीर्थ स्थल मक्का और मदीना की यात्रा भी बंद है। इससे राजशाही को राजस्व का नुकसान हो रहा है।